ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये तो मेरा फेवरेट था, ये भी छोटा हो गया, और ये जीन्स, ये भी छोटी हो गई, और ये वाले शॉर्ट्स, ये भी छोटे हो गए। एक्चुअली ना ये छोटे नहीं हुए, मैं ही बड़ी हुई हूँ, मेरी गलती थी जो मैं बड़ी हो गई। तो चलो आज हम लोग सिर्फ इन्हीं कपड़ों के साथ कुछ अच्छे अच्छे DIYs करते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने अपना ये टॉप सिलेक्ट किया है और बाकी सबको मैं साइड में कर दूंगी। तो आज जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए एक हैंगर, एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्स और कुछ ऐसे स्पेयर क्लोथ्स। और मैंने ये टॉप सिलेक्ट किया था। फिर मेरे पास अभी फैब्रिक ग्लू नहीं है इसलिए मैं फेविबॉन्ड यूज़ कर रही हूँ और एक सीजर्स। सो नाउ आई एम कटिंग दिस एरिया। तो मुझे कुछ इस तरह का मिला है और आप चाहे तो कोई भी टाइप का हार्डबोर्ड ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बॉक्स का ही हार्डबोर्ड लेना है। तो फिर इसके लिए मैंने ये जो कार्डबोर्ड है उसको अब मैं इस टी शर्ट के अंदर कुछ इस तरह से प्लेस कर दूंगी। और अब मैं इसको पीछे की तरफ टर्न कर दूंगी। फिर जो हमें ये नीचे एक्स्ट्रा जो है उसको ग्लू के हेल्प से अच्छे से स्टिक कर देना है। तब मैं इसे ग्लू के हेल्प से अच्छे से चिपका रही हूँ ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये अब मैंने स्टिक कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इसे अच्छे से स्टिच भी कर सकते हैं। तो अब इसके बैक साइड में हम लोग एक अच्छा सा पॉकेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये जो स्पेयर कपड़ा लिया था उसको एकदम इसके साइज से मैंने कट किया है। और फिर मैं इसको कुछ इस तरह से रख के इसके सिर्फ 1, 2 एंड 3 ये तीनों साइज में ही हमें ग्लू लगाना है और एकदम अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो ये स्टिक होके हमारा जो पॉकेट है वो रेडी हो गया है। और ये जो मैंने हैंगर बोला था अब उसको हमें इन स्लीव्स के अंदर ऐसे डालना है और इसको अच्छे से एकदम फिट कर देना है। और ये आपका हैंगर रेडी है। सो दिस इज अ रियली वेरी मल्टीपर्पस हैंगर विच यू कैन यूज to keep many things like your stationaries and many other things. So isn't it looking pretty? And this one I have made for my room to keep some stationaries.